चैनल ग्लैम भी धनसु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पे हद से ज्यादा चिपचिपापन रहता है जिससे आप बहुत परेशान हैं, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं बट आपकी स्किन पे वो काम नहीं कर रहा, आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स भी यूज कर लिए हैं जिससे सम टाइम्स के लिए आपकी स्किन जो है सही हो जाती है बट परमानेंटली आपको उससे छुटकारा नहीं मिलता, तो ऐसा क्या आप अपने फेस पर लगाएं जिससे परमानेंटली आपको अपनी ऑयली स्किन से छुटकारा मिल जाए। तो आज की वीडियो में आपके लिए वही चीज लेकर आई हूं, आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी ऐसी कौन सी चीज आपने अपने फेस पर लगानी है जिससे आपके फेस से, आपकी स्किन से जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और आपकी स्किन नॉर्मल हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूं आपने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कांच का बाउल। आपने जब भी किसी फेस पैक को बनाना है तो आपने कांच के बाउल या आपने प्लास्टिक बाउल का ही यूज करना है, आपने स्टील या कोई अदर आपने बाउल नहीं यूज करना है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। लेकिन सी गाइस, ये है मेरी मुल्तानी मिट्टी, ज्यादा मेरे पास नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है। तो इसमें से 2.5 स्पून हम मुल्तानी मिट्टी को ले लेंगे। आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है, जितना आपके फेस पर लग जाए आप उतना ले लेंगे। तो मैंने 2.5 स्पून के लगभग इसे ले लिया है और इसमें अब हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। गाइस, मेरी मुल्तानी मिट्टी है, इसमें मैं ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की भी क्वांटिटी आपने उतनी ऐड करनी है जितना इसमें अच्छे से ये पेस्ट बन जाए। मुल्तानी मिट्टी जो आपकी ड्राई स्किन के लिए, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस मुल्तानी मिट्टी का कंटिन्यू यूज करने से अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे जो एक्सेस ऑयल है वो आपके निकल जाएंगे। और एलोवेरा कई बार ऐसा होता है, हम कंटिन्यू जब मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं ना तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। तो आपने जब भी इस ऑयली स्किन के लिए यूज करना है तो आपने क्या करना है, आपने उसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। अभी गाइस, ये हमारा फेस पैक जो है रेडी हो गया है। आपने जब भी ऑयली स्किन के लिए फेस पैक को बनाना है ना तो इसमें एलोवेरा जेल का ही यूज करना है। अगर आप चाहें तो आप पतंजलि का जो एलोवेरा सौंदर्य एलोवेरा जो जेल है आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास आपके घर पे प्लांट है तो आप उसकी लीव को लेकर के फ्रेश एलोवेरा जेल निकालकर आप उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसे आप हफ्ते के 7 दिन यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल है, आपकी स्किन हद से ज्यादा ऑयली है या ऑयली है तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें एलोवेरा जेल यूज करने से क्या होगा गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है या आपको फील होता है कि आपकी स्किन अब ड्राई होने लगी है कंटिन्यू मुल्तानी मिट्टी यूज करने से, तो एलोवेरा सब इसमें यूज करेंगे, इसे मिक्स करने से ना आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगा, आपकी स्किन ब्राइट करेगी एंड साथ ही साथ आपकी स्किन पे बहुत ही प्यारा सा ग्लो आएगा। यू कैन सी गाइस, अभी मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, हमारे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है, ओनली लिपस्टिक लगी है। यार ये इतनी जल्दी रिमूव भी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इतना ट्राई नहीं किया कि रिमूव मैं कर सकूं। एंड अभी हमारा फेस पैक रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं बट मैं ब्रश का यूज नहीं करूंगी बिकॉज ये मैंने थिक पेस्ट बनाया और इसे मैं फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। इसे आइस के अराउंड भी आपने लगा लेना है। कई फेस पैक ऐसे होते हैं जिसे हमें आइस के अराउंड नहीं लगाना होता बट इस फेस पैक को हम बहुत ही इजीली अपने आइस के अराउंड लगा सकते हैं, इससे हमारे आइस पर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह आपने हल्के हाथों से इसे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। आप चाहें तो इसे 2 बार में भी अपने फेस पर लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम एक पतली सी लेयर अपने फेस पर लगा लें, फिर जब हल्की सी सूख जाए तो सेकेंड लेयर भी अपने फेस पर लगाकर इसे ज्यादा टाइम तक आप इसे टाइम दे सकते हैं। 2 टाइम्स यूज करने से आप इसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा लें और इसे 20 मिनट या 15 से 20 मिनट मैक्सिमम टाइम जो लगेगा आपका सूखने में, फिर ये सूख जाएगा। अगर आप फैन के नीचे या आप कहीं और इस तरह ऐसी हवा वाली जगह पे बैठे हैं तो शायद ही आपका और पहले ही सूख जाए, और अगर नहीं आप वैसे ही बैठे हैं तो फिर आपका ये 15 से 20 मिनट ही लगेगा, उसके अंदर ही आपका फेस पैक जो है सूख जाएगा। मैं आईज क्लोज करने के बाद अपने अपर लिप पर भी इसे लगा लूंगी। मैं इस तरह का जब भी कोई फेस पैक लगाती हूँ गाइज ना, तो मैं अपने लिप पर जरूर लगाती हूँ जिसका कोई हमारी आईज पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो मैं उसे फेस पर अच्छी तरह उसे लगा देती हूँ। इस तरह आपने लगा लेना है।
लगाने के बाद अब मैं इसे 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पर छोड़ दूंगी। लेकिन सही गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमारे ये बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। आपने जब भी वॉश करना है तो अपने नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है। लेकिन सही गाइस, अभी मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है तो आपने इस नुस्खे को इसी तरह अप्लाई करना है और आप इसे वीकली 7 दिन अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता एंड इसे लगाने से आपकी स्किन पे जो भी एक्सेस ऑयल है या आपकी स्किन जो ऑयली है वो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। आपको मेरी बताई हुई रेमेडी पसंद आती है, मेरा बताया हुआ नुस्खा आपको लगता है ये काम करेगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप इसे बनाइए, इसे यूज कीजिए। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन हद से ज्यादा ऑयली है, आप उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें इस रेमेडी के बारे में बताइए जिससे इस फेस पैक को बनाकर अपनी स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सके, अपनी स्किन को नॉर्मल कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।